मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम एक बार पुनः कोर्स नंबर 11 जो पेडागॉजी ऑफ साइंस से रिलेटेड है उसमें हम कॉमन टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। यूनिट प्रथम आपकी चल रही है, यूनिट प्रथम के अंदर करिकुलम पर चर्चा की जा रही है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि करिकुलम का अर्थ क्या है, करिकुलम और सिलेबस के अंदर मुख्य विभेद क्या होते हैं और करिकुलम के प्रकार और इसकी प्रकृति कैसी होती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि पाठ्यचर्य की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार का पाठ्यचर्य होती है, जिसमें सबसे प्रमुख जो होती है वह बाल केंद्रित पाठ्यचर्य होती है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है प्रिंसिपल्स और स्टेप्स फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं करिकुलम जो है, और इसके साथ साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि सिलेबस का जो होता है फॉर्मिंग किन आधार पर किया जाना चाहिए, जो करिकुलम है उसका निर्माण और सिलेबस का निर्माण किन किन आधारों पर किया जाना चाहिए, किन सिद्धांतों पर आधारित हो रहना चाहिए, इसकी चर्चा करते समय हमें क्या ध्यान रखना होगा। सबसे प्रथम कि जब भी हम सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट कौन सा है, उसका सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है। जो विद्यार्थियों के लिए जिस पाठ्यचर्य का निर्माण किया जा रहा है, सिलेबस का निर्माण किया जा रहा है, उनका मानसिक स्तर किस प्रकार का है, चिंता ध्यान रखेंगे हम विषय वस्तु का। दूसरा हम इसका ध्यान रखेंगे उनके मानसिक स्तर का। हमें जो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है कि उनकी मानसिक स्तर कैसा है और उस वक्त उन विद्यार्थियों की आयु क्या है, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, करिकुलम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के लिए, जिस स्तर के विद्यार्थियों के लिए करिकुलम का निर्माण किया जाना है, उनकी मेंटल एज का हमें मालूम होना चाहिए। मान लीजिए आप जानते अच्छी प्रकार से कि मानसिक आयु की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो वह उसका मेंटल एज किस प्रकार से हम उसका काम करते हैं। मानसिक आयु की एक अवस्था है जिस अवस्था में आप वर्तमान में हो, जितनी एज आपकी है, और वास्तविक आयु जिस आयु में, एक तो होती है आपकी वास्तविक आयु जिसके हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा है आई क्यू क्या होता है। आई क्यू होता है एम ए बटे सी ए इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है आई क्यू नापने का, बुद्धिमापन का। मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज, ये आपकी क्या होती है, वास्तविक आयु होती है। मान लीजिए वास्तविक आयु आपकी 20 साल, और आपकी सोच जो है, मेंटल एज जो है वास्तविक क्या है, 25 साल। तो जो भी गुना भाग करके आपकी आयु वास्तविक आपको क्या आएगा, बुद्धि का क्वेश्चन आता है, बुद्धि लब्धि इसको हमने कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि विद्यार्थी की वास्तविक आयु क्या है, उसका इस वक्त मानसिक स्तर कितना है, और सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, उसके आधार पर हमें पाठ्यचर्य और पाठ्यक्रम का क्या कर रहा है निर्धारण करना है। इसके साथ साथ ही हमें क्या करना है कि पाठ्यक्रम क्या हो गया, वह साधन हो गया, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या वह साधन हो गया जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हमने बताया था आपके लिए ये दौड़ का मैदान है, क्या करना चाहता है दौड़ के मैदान पर विद्यार्थी, वह शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए माध्यम का साधन का कार्य कर रहा है, कौन करिकुलम उसके लिए साधन का कार्य करता है। अब सामान्य विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, हम कह सकते हैं विज्ञान के अंदर जब भी करिकुलम का फॉर्मेशन होगा उसके लिए किन किन सिद्धांतों की आवश्यकता रहती है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो प्रमुख बात आती है कि कोई भी पाठ्यचर्य है उसमें प्रमुख कौन होता है, ये हमने चर्चा की थी आपसे कि प्रमुख कौन है, विद्यार्थी।
बालक जिसके लिए उसका बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत इसका अर्थ क्या है कि जब भी पाठचर्या का निर्माण किया जाए वो बालक को ध्यान में रखकर के उसका निर्माण किया जाना चाहिए। केवल उसका निर्माण ज्ञान प्रदान करने के लिए नहीं होना चाहिए। बच्चा किस स्तर का है, क्या उसकी मानसिक स्तर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। दूसरा कि बाल केंद्रिता की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बालक जो है वो शिक्षा की धुरी है। बिना विद्यार्थी के ना तो करिकुलम का कंस्ट्रक्शन काम आएगा, ना सिलेबस का निर्धारण काम आएगा, ना आवश्यकता होगी विद्यालय की, कॉलेजों की, ना टीचर्स की आवश्यकता होगी। इसका मतलब शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक हो गया, और बालक को ध्यान में रख करके करिकुलम का फॉर्मेशन किया जा रहा है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जिस स्तर के अंदर बालक पढ़ रहा है उसके लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, जो कि पाठचर्याओं का निर्धारण कर रहे हैं, कमेटी होती है, वो कमेटी निर्धारण करती है, वो ध्यान रखे कि इसमें बालकों की रुचियों की, उनके बालकों की आवश्यकताओं की और बालकों की क्षमताओं की, बालकों की मानसिक स्तर, उनकी आयु का विशेष ध्यान रख करके कन्फर्मेशन किया जाना चाहिए। बाल केंद्रिता का ये सिद्धांत होता है, ये मुख्य होता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के अंदर। बाल केंद्रिता के बारे में बात करें तो एक पाठचर्या कैसी होनी चाहिए जिसमें अग्रदर्शिता का सिद्धांत हो, इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड लुकिंग। एक अच्छा जो पाठचर्या होगी उसके अंतर्गत अग्रदर्शी सिद्धांत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी उस पाठचर्या को पूरा करता हुआ, कार्यक्रम को पूरा करते हुए पढ़ने के बाद अपने लिए फॉरवर्ड लुकिंग अवधारणाएं डेवलप कर सके कि हाँ मुझे आगे अब इस फील्ड की ओर आगे बढ़ना है, तो वह भविष्यमुखी बन सके, इस प्रकार का पाठचर्या होनी चाहिए। यह है फॉरवर्ड लुकिंग। इन भावनाओं का जब विकास होगा विद्यार्थी के अंतर्गत तो उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, वह जो भी परिस्थितियां उसके सामने आएंगी उस वक्त, जो परिस्थितियों में उस वक्त जब भी विद्यार्थी के सामने आती हैं, उन परिस्थितियों को वो सामना करना सीखेगा और उनके साथ अपने को तैयार भी करना सीखेगा। इसका मतलब विद्यार्थी फॉरवर्ड लुकिंग नेचर का बन पाएगा, इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। ये विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखना है। अगला हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य क्या है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार पाठचर्या में बदलाव किया जा सके, इस प्रकार का करिकुलम का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसमें रिजिडिटी नहीं हो, उसमें दृढ़ता नहीं हो कि पाठचर्या यदि निर्माण हो गई है तो उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। उसमें समय के अनुसार व्यक्तिगत रुचियों, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव हो जाना चाहिए। उसके अंतर्गत लचीलापन की ओर संकेत करती है। इसके साथ साथ ही क्या बच्चे के साथ साथ बच्चे की समाज से अपेक्षाएं हैं, समाज की आवश्यकताएं क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव लाया जा सके, समाज की आवश्यकताओं को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। दूसरा स्थानीय जो वातावरण है और उनकी आवश्यकताएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो फॉर्मेट बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स है इसका, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि पाठ्यचर्या का निर्माण जब किया जा रहा है, सिलेबस का निर्धारण जब किया जा रहा है, उस प्रकार से होना चाहिए कि उससे उस पाठचर्या के अंतर्गत एक लचीलापन बना रहे। विद्यार्थियों की क्या आवश्यकताएं हैं, नीड्स क्या हैं, उसकी बदलती हुई आवश्यकताएं होती हैं, वातावरण भिन्न है, आवश्यकताएं उसकी चेंज हो जाती हैं। आवश्यकताएं जैसी चेंज होंगी तो उस पाठचर्या के अंतर्गत संशोधन किया जा सके, सुधार किया जा सके, नया उसके अंतर्गत कुछ ऐड किया जा सके, तो उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए। अगली बात कर रहे हैं क्योंकि बाल केंद्रिता का सिद्धांत ये हमने पढ़ लिया। अब बाल केंद्रित मतलब बालक जिसका मुख्य धुरी हो गया, बालक मुख्य धुरी हो गया तो इसी का अगले बालक की रुचि को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं। तो बालक की रुचि और विविधता की बात कर रहे हैं, उसको इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक बालक जो होता है अपने आप में क्या होता है, वो यूनिक होता है। यूनिक जानते हैं, यूनिक का मतलब होता है कि बच्चा अनोखा होता है, अद्वितीय होता है। हर
व्यक्ति बालक जिसका कि जन्म हुआ है वो किन्हीं ना किन्हीं विशेषताओं में सब क्या होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं। तो ये यूनिकनेस होती है उसकी रुचि को इंगित करती है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या रहा है, अभिरुचि क्या है उसकी, उसका एटीट्यूड सेट क्या है, माइंड सेट क्या है उसका। और प्रत्येक बालक जो होता है वो दूसरे बालक से क्या होता है, डिफर होता है। इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे, सिद्धांत दूसरा भी होता है। तो उसकी रुचियों को और बालकों की विविधताओं को सम्मिलित करने वाला क्या होना चाहिए, पाठचर्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी उसके अंतर्गत रहनी चाहिए पाठचर्या के अंतर्गत। अगला हम बात कर रहे हैं तो वो विभिन्न विषयों का संबंधीकरण का सिद्धांत बोल दो आप, या सहसंबंध का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण बोल दीजिए, इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, से संबंधित होना बोल दीजिए, कोरिलेट होना बोल दीजिए। तो विभिन्न विषय आपस में एक दूसरे से जुड़ करके पढ़ाए जाने चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक तथ्य जितने भी होते हैं उनकी यदि आवश्यकता हो रही है तो इस प्रकार से विषयों का निर्माण होना चाहिए कि एक विषय के किसी दूसरे विषय से जुड़ करके पढ़ाया जा सके। इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को समझना आसान होता है और विभिन्न विषयों के मध्य उसकी जो कुछ भ्रांतियाँ होती हैं वो दूर भी होती जाती हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स है और इनके माध्यम से विद्यार्थी को हम उसके इतिहास के लिए लेकर जा सकते हैं, प्रतिदिन के अंदर दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाले व्यवहार, विज्ञान के पूरे जो विषय हैं, जनरल साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, उन सब के माध्यम से कोई ना कोई क्रिया संपादित प्रतिदिन की जिंदगी में होती है, उन सबको एकीकृत करके पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे प्रकार से विषय को समझ पाएगा। हार्वर्ड ने जे एफ हार्वर्ड मौते हुए उन्होंने क्या किया, विषयों का समावेशीकरण पर विशेष बल दिया था और उन्होंने ही ये आगे बात कही थी कि विभिन्न विषयों को एकीकरण के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि विषयों को जब एकीकरण किया जाता है तो उनमें मनोवैज्ञानिकता और तार्किकता आ जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों को जो जटिल संप्रत होते हैं वो आसान लगने लगते हैं। आगे हम बात करते हैं क्रिएटिव अचीवमेंट का, रचनात्मक कार्य सिद्धांत। रचनात्मक कार्य सिद्धांत होता है वो लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है कि विद्यार्थी को क्या है, कुछ रचना करने का मौका मिले, कुछ कंस्ट्रक्ट करने का मौका मिलना चाहिए, उसको लर्निंग बाय डूइंग की हम बात कर रहे हैं कि वो स्वयं करके सीखे, कुछ करके सीखे। तो कुछ करेगा जब सीखेगा तो उसका जो ज्ञान होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा, स्टेबल होगा और उसमें वह जिज्ञासु भी ज़्यादा बना रहे हैं। जबकि नीरस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है कि विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं लेता है, उसको प्रयोग करने का, उसको खेलने का, अन्य माध्यम से सीखने का यदि मौका मिलता है, कुछ रचना करने का मौका मिलता है तो विद्यार्थियों की जिज्ञासा भी बढ़ती है और उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, क्योंकि क्रियाशीलता बालकों की क्या होती है, एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसके माध्यम से क्या है उसे व्यक्तिगत अवसर मुहैया कराए जाए, चाहे व्यवसला के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत अन्य अनुभव जो उसको हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन के माध्यम से विद्यार्थी को, बालक को उसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो लर्निंग बाय डूइंग एक बहुत अच्छी एस्पेक्ट है जिस पर रह करके, जैसे हमने प्रैक्टिकल एक तो पढ़ा है, एक प्रैक्टिकल हमने खुद ने किया प्रयोगशाला में, तो वो प्रयोगशाला में जो आपने किया वो आपको लाइफ टाइम मेमोरी में रहेगा, जो आपने अभी पढ़ा है सुना है उसको आप भूल जाओगे, देखी हुई बातें आपको 30-40% ज़्यादा क्या रहती हैं दिमाग में स्थाई बनी हुई रहती है, और करके जब आप उस चीज़ को सीखते हो तो वो निश्चित सी बात है कि वो 90-100% तक आपके दिमाग में लाइफ टाइम मेमोरी में रहती है। ये रचनात्मक कार्य सिद्धांत हो गया। इसके बाद हम बात करें कि पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले भविष्य में उपयोगी साबित हो सके, इस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। उपयोगिता का सिद्धांत, हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं लेकिन उन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के माध्यम से आगे जब हम जॉब सर्च करते हैं तो उसमें वो हमारे कोई मददगार नहीं होती, इसलिए पाठचर्या का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि वो आगे भविष्य में उसके लिए क्या बन पाए, उपयोगी बन पाए। अनुपयोगी यदि कोई पाठचर्या है तो लाभदायक नहीं होती है। और उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो यह भी कहता है कि उपयोगी उसके लिए दोनों दृष्टिकोण से होने चाहिए, उसका व्यक्तिगत विकास भी हो और उसका
सामाजिक रूप से भी वो क्या रहे, उपयोगी रहे, इस प्रकार का पाठचर्या होनी चाहिए। अब अगला आता है सामुदायिक जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इस प्रकार का हो कि वो सामुदायिक जीवन से क्या रहे, जुड़ा हुआ हो। और सामुदायिक जीवन से जो बच्चा जुड़ता है और इस प्रकार से पाठचर्या का यदि निर्माण किया जा रहा है तो उसके माध्यम से विद्यार्थी जो होता है इसको प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी लाइफ भी बोल सकते हैं। इसके माध्यम से वह समाज के अंदर रहता हुआ बहुत सारे मूल्यों को, वैल्यूज को ग्रहण करता है। सौहार्द है, प्रेम है, सहिष्णुता है, ठीक है, त्याग है, सहयोग है, इन सभी बातों को सामुदायिक जीवन संबंधता का सिद्धांत जिसको कहते हैं। पाठचर्या में उनका स्थान होना चाहिए, इस प्रकार का करिकुलम का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो विद्यार्थी को सामुदायिक जीवन से जुड़े। इससे उसका एक अच्छा मस्तिष्क का क्या हो, निर्माण हो सके, उसकी जो कुपमंडुक जो प्रवृत्ति है उसमें क्या ला सके, परिवर्तन आ सके। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन वैल्यूज। एजुकेशन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत। शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत जो है इसको हम अवकाश का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अवकाश के समय का सदुपयोग, अवकाश के समय का सदुपयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी यदि खाली बैठा है तो उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार का समावेश पाठचर्या के अंतर्गत होना चाहिए कि वह उसके लिए शैक्षिक मूल्यों को बढ़ाने वाला हो, एजुकेशन वैल्यूज को डेवलप करने वाला हो। इसके अंतर्गत उसके लिए अवकाश के समय का सदुपयोग उसको सिखाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके जीवन आनंद में हो पाएगा और उद्देश्य में हो पाएगा। बालक का जो जीवन है यदि वह अवकाश के समय का सदुपयोग सीखता है तो उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो पाएगा और उसका जीवन आनंदमय हो पाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे विषय प्रकरण और क्रियाओं को ध्यान देना चाहिए जो विद्यार्थियों के समय का क्या करें, सदुपयोग कर सके। उसके लिए यदि कुछ नया नवीन चिंतन करने के लिए दे दिया जाए मौका, और यदि खाली बैठा है तो उसके लिए अवकाश के लिए कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे दिया, कुछ रिसर्च वर्क दे दिया जिस पर भी वे अपने आप को क्या करके जुड़े हुए रखे, जिससे क्या होगा उसके शैक्षिक मूल्य में वृद्धि होगी और हम उसका जो उद्देश्य है कि वह उद्देश्य पूर्ण जीवन की ओर आगे बढ़ सके। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले सिद्धांत की ओर। वो सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों की समग्रता। बहुत महत्वपूर्ण है अनुभवों की समग्रता। जितने भी प्रकार के अनुभव विद्यार्थी को होते हैं उन सबको पाठचर्या के अंतर्गत क्या होना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। चाहे प्रयोगशाला में प्रयोग के माध्यम से सीखता हो, खेल के मैदान के खेलने के माध्यम से सीखता हो, वे अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता हो, तो अनुभवों की समग्रताओं को पाठचर्या के अंतर्गत समाहित कर करके विद्यार्थी के जीवन को एक अच्छी दिशा हम दे सकते हैं। हो सकता है कि जब उसको टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस का लाभ मिलेगा तो विद्यार्थी हो सकता है अपने जीवन में उन लाभों से कहीं अच्छी प्रोग्रेस अपने जीवन में कर सके। ये अनुभवों की समग्रता की बातचीत पर आधारित होता है कि अनुभवों की समग्रता हम बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस जो मिलते हैं उसको अपने मित्रों से भी मिल सकते हैं, अपने गुरुजनों से भी मिल सकते हैं, कहीं भी लाइफ में वो अपने माता पिता परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से भी अनुभवों की प्राप्ति करता है, उन सबों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं अगले सिद्धांत पर, वो आता है कि हमने बात किया कि बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित होना चाहिए तो उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का इसमें समावेश हो, कि एक कक्षा कक्षा के अंतर्गत क्या होते हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर विद्यार्थी के अंतर्गत होते हैं, हर बालक के अंतर्गत होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम बच्चों को क्या करें, आधारित जो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित पाठचर्या उसका निर्माण कर सके। इसमें क्या होता है, एक कक्षा कक्षा के अंदर उच्च बुद्धि वाले छात्र होते हैं, मध्यम बुद्धि वाले छात्र होते हैं और निम्न बुद्धि वाले छात्र होते हैं। तो जो मध्यम विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग प्रकार की कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता रहेगी, जो निम्न बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अलग प्रकार से पाठचर्या को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं, जीनियस पर्सनैलिटी वाले विद्यार्थी होते हैं, उनका अचीवमेंट बहुत तेज होता है, वो जल्दी सीखते हैं, उनके लिए क्या होती है कुछ अलग से ब्रेन
रिलेटेड क्वेश्चन के लिए अलग से क्या कह सकते हैं कि क्रियाएं करने के लिए उनके दिए दी जाएं, इस प्रकार का उनके लिए अलग से आयोजन किया जाए। ये हमें ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत विविधीकरण होना चाहिए, उसकी सामर्थ्य के अनुसार, उसकी बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार, के लिए उनके लिए अलग से कुछ पाठ्यक्रम में व्यवस्था इस प्रकार की हो कि उनके लिए कुछ अलग से कार्य सुझाया जा सके। जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन हो सकता है उसका दूसरे जो पार्ट है वो ज़्यादा क्या रहे, मजबूत हो। हो सकता है वो एक टेक्निकल लाइन में चला जाए, उसके लिए किसी क्राफ्ट के अंदर हम भेज देते हैं, वो क्राफ्ट में बहुत अच्छा कर सकता हो, हो सकता है बहुत अच्छा वो एक पेंटर हो, कलाकार हो, कुछ भी वो हो सकता है। ठीक, ये व्यक्तिगत विविधीकरण का सिद्धांत शामिल होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा को स्थान का सिद्धांत, ये है प्लेस टू वोकेशनल एजुकेशन। अगला जो होता है व्यावसायिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा को स्थान होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो छोटी उम्र में ही क्या करते हैं, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई बंद कर देते हैं। उस स्थिति में उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए टेक्निकली, और क्राफ्ट की जो हमने बात की, सिर्फ कला आधारित जो पाठ्यक्रम की बात की कि उसके माध्यम से जब हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, उनका व्यावसायिक उन्नयीकरण हो सके, उनका व्यावसायिक आगे वो व्यावसायिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ कर सके, इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को इसमें स्थान देना चाहिए जो व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान करने वाले हों, जिससे विद्यार्थी कम पढ़ने के बावजूद भी अपना कुछ स्वरोजगार कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इन विषयों पर विशेष फोकस किया गया है। अगला जो आता है वो प्रिंसिपल आता है प्लेस टू ऑब्जेक्टिव, प्राप्त उद्देश्य को प्राप्त स्थान का सिद्धांत। जो भी प्राप्त उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं कि हमें क्या क्या अचीव करने हैं, उद्देश्य, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों क्या होना चाहिए, उनका समावेश होना चाहिए, ऐसे तथ्य और प्रत्ययों को इनमें स्थान रखना आवश्यक है, जिससे कि जितनी भी सामान्य विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं या विज्ञान विषय के शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। ये प्लेस टू ऑब्जेक्टिव, प्राप्त जितने भी उद्देश्य हैं उनको यदि हम प्राप्त करना, अचीव करना चाहते हैं, ऐसे तथ्यों और प्रत्ययों का उसमें समावेश होना चाहिए। तो ये पूरा जो पाठचर्या के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, सिलेबस कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि विद्यार्थी एक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ही उन सारी चीज़ों को भी समझ सके कि उसके जीवन में अनुभवों का क्या स्थान होगा, क्रियाओं का क्या स्थान है, व्यावसायिक शिक्षा का क्या स्थान होता है, उसको अपने करियर को एक दिशा देनी है, उसको जीवन में अपने आप को स्थायी रूप से सक्षम बनाना है, सेल्फ डिपेंड बनाना है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के पाठचर्या का समावेश होना चाहिए। इसके लिए नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी बहुत सारी बातों का समावेश किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कितनी एग्जीक्यूट होती है उसका सक्सेस रेशो इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे डिजिटलाइजेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं और सिर्फ आधारित कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी यदि उस वो आगे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता है किसी कारणवश, या उसकी संख्या इतनी नहीं है, नहीं पढ़ पाता है, उसके परिवार वालों नहीं पढ़ा पाते हैं, तो वह एक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन पाठचर्याओं के सिद्धांतों के आधार पर कुछ शिल्प के अंदर कुछ अपनी रुचियों के अनुसार व्यवसाय का चयन कर सके और उसमें वो अपने जीवन का निर्माण करना सीख सके। यही सारे सिद्धांतों का निचोड़ होता है। इनको आधारपूर्वक देखें, सुने और समझने का प्रयत्न करें, और उम्मीद है कि आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी विज्ञान की हैं वो इसको देखें जरूर, कि बिना देखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या चल रहा है। धन्यवाद।